ये डेरिंग आती कहाँ से है? अरे क्या अंकित भाई कर पाएंगे? ये क्या, देखो, अरे क्यों जलाने वाला करेंगे इतना डर लोग, रहा है। डर वाला करता हूँ। अंकित भाई कर पाएंगे? ओ भाई, वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। सो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 5 एंड हम लोग जा रहे हैं, मतलब आज व्लॉग नहीं डाला पहले, तो पहले आज व्लॉग नहीं डाला क्योंकि कल कुछ मिला नहीं था, पूरा दिन घर पे था, मैं बोला घर का क्या डालूँ। सो आज हम लोग जा रहे हैं गुजरात एंड वलसाड़ में, वलसाड़ मतलब गुजरात में घूमने के लिए एंड शूट करने के लिए भी, बहुत से काम के लिए। तो बहुत ही मज़ा आने वाला गुजरात में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ गुजरात, वो भी फ्रेंड्स के साथ। सो इट्स गोना बी अमेजिंग। सो हम लोग वहाँ पे बहुत जगह घूमने भी जाएंगे एंड फिलहाल अभी तो मैं पूरा ट्रैवल दिखाऊंगा एंड जो भी रहेगा सारे सबके अलग अलग ब्लॉग्स आएंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है एंड बारिश भी हो रहा है, आई डोंट नो वाई, मुंबई में भी नवंबर में जा बारिश, क्या रीज़न आई डोंट नो। सो ये ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, अब मिलेगा कुछ अच्छा ब्लॉग, सो मज़ा आने वाला है। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो। सो निकलते हैं। सो गाइस आई डोंट नो बारिश क्यों हो रही है, फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ, देख लो बहुत बारिश हो रही है, मौसम भी ख़राब हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। मैंने मेरा सामान ले लिया है एंड मुझे छोड़ने के लिए दोनों आए। सो निकल रहे हैं अभी हम लोग, फिलहाल मैं और फिर मैं वहाँ से जाऊँगा ऋतिक के घर, फिर ऋतिक के घर से हम लोग निकलेंगे। सो लेट्स गो, निकलते हैं। 30-25 के अंदर बोरीवली स्टेशन पहुँच चुके हैं, अंकित भाई हमारे साथ हैं। अभी फिलहाल हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जा रहे हैं, जहाँ हम लोग को वहीं से ट्रेन पकड़नी है एंड काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आते ही हम लोग निकलेंगे। सो मैं ऋतिक अंकित भाई तीनों जा रहे हैं, अभी आपकी मम्मी हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। सो लेट्स गो। भाई को सबसे ज्यादा जाने की गाड़ी है तो आप पहले बता रही है। फिलहाल पहुंच गए हम एंड अभी टाइम हो रहा है, पता नहीं कितना टाइम हो रहा है भाई, फुल साढ़ पहुंच गए। कैसा लगा आपको? टाइम हो रहा है कुछ 8:46 एंड हम लोग पहुँच चुके हैं वलसाड़ स्टेशन एंड ट्रेन में बहुत ही बस हो रही थी, इसलिए मैंने ट्रेन में रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा, और स्टेशन के कुछ जो भी थे हमारे ट्रेवलिंग के साथ मैंने सिनेमैटिक ले लिए थे फाइनली एट वलसाड़ स्टेशन। सो बहुत ही अच्छा मोमेंट था, फर्स्ट टाइम है एंड अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं घर पे। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, वो इन लोग दोनों विदाउट टिकट आए, दोनों के पास टिकट नहीं है, दोनों के पास टिकट में चढ़ा दिया इन लोग दोनों को, दोनों के पास टिकट नहीं है, रिस्क लेके आ गए, बट टीसी आया ही नहीं, चेक ही नहीं किया, बट आता भी हमारा प्लान था गाइस, इन लोग दोनों को टॉयलेट में भेजने का प्लान था और हम लोग भाग जाते, फिर ऋतिक हमें पीछे से कॉल करता, फिर हम लोग रिटर्न आते। तो फिलहाल हम बच गए, लेट्स गो। गाड़ियाँ आने के लिए, सो अभी हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, इट्स जस्ट आउट ऑफ स्टेशन जहाँ पे कार्स आती हैं। सो
हमारी कार ये है जिसके अंदर हम जाने वाले वो राज देखो इसके साथ। सो वी आर हियर फाइनली एंड बहुत ही बड़ा स्टेशन है यार वलसाड, मज़ा आएगा लिया लिया। अरे सिनेमैटिक हाँ, ये बहुत ही अच्छा लुक है यार वलसाड स्टेशन भी एक नंबर लगा, बहुत बड़ा स्टेशन है यार। कैसा लगा वलसाड स्टेशन, कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया। हम दोनों का यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, मैं और अंकित भाई दो के दोनों हम दोनों वलसाड में मतलब गुजरात में फर्स्ट टाइम है एंड 3 दिन का ये पूरा जर्नी है। देखते हैं मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, तो देखते रहो निकलते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ हमें आना था, हमारा दर ये रहा और ये रहे रहे अंकित भाई। सो वी आर हम लोग घर पे आ चुके हैं एंड सब फ्रेश फ्रेश होके हम 3 टेरेस पे बैठे हैं, बाकी सब फैमिली नीचे है, सब बातचीत कर रहे हैं। तो हम 3 खाली फिलहाल टेरेस पे यार, बहुत ही अच्छा मतलब क्या ही खतरनाक सिनेरियो यार। एज यू कैन सी मून एंड मतलब एकदम शांत एकदम काम है यार, फुल एकदम पीस है यहाँ पर, एकदम मज़ा ही आ रहा है यार। एक नेक्स्ट लेवल की वाइब्स आ रही है, पूरा विलेज वाली वाइब्स आ रही है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सो मज़ा आ रहा है। देखो सार तू आ चुका है, हाय सार तू, हाय गाइस सार्थक को चील कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से बात कर रहे हैं फिर जाएंगे नीचे, देखते हैं। सो गाइस अभी हम लोग फिलहाल यहाँ के टेरेस पे हैं और ये देखो यहाँ पे दिवाली मनाया जा रहा है, बिन दिवाली उगा रहा है। पैसा नहीं है पता, सारे त्योहार आज ही यहाँ पे मना ली जा रहे हैं। देख लो ऐसे दिवाली संक्रांति सब कुछ आज ही मनाया जा रहा है। इनके वेलकम के लिए सारी ये पार्टियाँ हो रही हैं, लाइक इनके वेलकम के लिए बज रहा है सारा सॉन्ग्स। हैप्पी दिवाली। हम लोग फिलहाल वलसाड के सबसे मेन मार्केट में है हमारे यहाँ पे कार, तो अभी हम सब लोग आए हुए हैं मतलब खाना पीना खा के सब कुछ मतलब चिल करके यू नो खाने के बाद समझ लो बाहर ऐसे घूमने आए। तो अभी लेट तक को यहाँ पे छाला सा हुआ था तो उसके लिए हम लोग 5 मिनट लेने आए थे, मे बी उससे मतलब थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग आए थे सब लोग बाहर। फिलहाल ये भी वलसाड का सबसे बड़ा मेन मार्केट है, ये पूरा मतलब वलसाड का सबसे बड़ा और मेन मार्केट है ऐसा मुझे बताया भाई ने, तो मैंने बोला लेट्स गिव सम इंफॉर्मेशन यू नो। सो अभी हम लोग ये पान की दुकान पे सब पान लेंगे एंड ऑब्वियसली घर पे चलेंगे सीधा एंड बहुत थक चुका हूँ यार अभी, कुछ रात के 11:30 बज रहे हैं। तो अभी खाना मतलब खाना पीना सबका हो भी गया है, सब कुछ हो गया, तो अभी डायरेक्टली घर पे आके सोना है बस। तो कल उठेंगे फिर, कल भी बहुत घूमेंगे, बहुत कुछ इंजॉय करेंगे यार, बस जुड़े रहो। तो लेट्स गो। तो अभी फिलहाल सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, फालूदा फ्लेवर कुल्फी फर्स्ट टाइम गुजरात में भाई, खतरनाक ना आइसक्रीम के शॉप से आगे एज यू कैन सी पूरा लाइन से आइसक्रीम के शॉप ही आपको सब मिलेगा एंड ये फर्स्ट टाइम एवर ट्राइड फ्लेवर है, मज़ा आया। फालूदा फालूदा खा रहे भाई, फालूदा तू भी खा रहा है मैं पी रहा हूँ, हाँ दोनों का फालूदा ही है बट फर्क है। सब लोग घर पे आ चुके हैं एंड कपड़े वपड़े सब चेंज हो चुके हैं, तैयारी हो रही है अब सोने की एंड दिख रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय टाटा सी यू, दिस इज इट फॉर टुडेज ब्लॉग एंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में विद सेम एनर्जी विद सेम इंटेंसिटी, तो मजा आएंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।